नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। बुधवार को संक्रमण से राज्य में 34 लोगों की जान गई है। इनमें मुंबई में 26, पुणे और अकोला में 3-3 की मौत हुई है। इसके अलावा जलगांव और सोलापुर में 1-1 मरीज ने अपनी जान गंवाई है। मृतकों में 21 पुरुष और 13 महिलाएं हैं। इनमें से 18 की उम्र 60 साल से अधिक बताई जा रही है और 13 की उम्र 40 से 60 साल के बीच बताई जा रही है और 6 की उम्र 40 से कम है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कहा है, सुनिए। महाराष्ट्र भारत के उन प्रांतों में से एक है जो हम सबके लिए भी थोड़ा सा ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 36 हमारे ज़िलों में से 34 ज़िले जो हैं वो कोरोना के प्रकोप से प्रभावित हैं। 14,541 केस हो चुके हैं, 583 मृत्यु हो चुकी है। और ख़ासकर पहले भी हमने फॉलो किया था, मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर और शोलापुर, ये हम लोगों के लिए इन 34 डिस्ट्रिक्ट्स में ये इलाके थोड़ा ज़्यादा विशेष चिंता का कारण बने हुए हैं। इस बात का संतोष है कि दो ज़िले गढ़चिरौली और वारधा ये अभी भी हमारे प्रभावित नहीं हुए हैं। मैंने जैसा देखा कि गोंडिया और उस्मानाबाद, यहाँ पर पिछले 28 दिन से कोई भी केस नहीं आया है। इसी तरह से बीड में भी पिछले 21 दिन से कोई भी केस नहीं आया है और अहमदनगर और भंडारा में पिछले 7 दिन से कोई केस नहीं आया है। हमें अंततोगत्वा उस स्थिति में पहुँचना है जब हमारे सारे ज़िले एक दिन ग्रीन जोन बनेंगे और वहां पर 21 दिन 28 दिन से कोई भी केस नहीं आया होगा। जैसे कि आपने सुना कि 36 जिलों में से 34 जिलों में कोरोना का काफी प्रकोप है। डॉक्टर हर्षवर्धन भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में जहां भी कोरोना से रेड जोन है वो जल्द ही ग्रीन जोन बन जाए। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुँचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।